मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मिर्च पाउडर से हमला हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के लिए आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमला कराने की साजिश रच रही है। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर से हमले को सुरक्षा में चूक करार दिया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित आर्मी डिपो के पास गोला बारूद उतारने के दौरान हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुलगांव कस्बे में स्थित सेंट्रल आर्मी डिपो के पास एक्सप्लोसिव डिमोलिशन ग्राउंड में विस्फोट हुआ। ये ग्राउंड सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो के नजदीक है। केंद्रीय विदेश मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने इंदौर में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए पुलिस की घोषणा की। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंची सुषमा स्वराज इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने चुनाव न लड़ने की बात कही है। सुषमा स्वराज के चुनाव न लड़ने के फैसले से न सिर्फ उनके प्रशंसक सन रह गए बल्कि दिग्गज कांग्रेसी नेता भी हैरान हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सुषमा के इस फैसले पर सियासी बयान दे दिया है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत को देखकर सुषमा ने मैदान छोड़ दिया है। चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि सुषमा स्मार्ट है। सीबीआई विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टल गई है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने जो जवाब सीबीसी को भेजा था उसके लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कोई भी सुनवाई के लायक। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली विश्व हिंदू परिषद और उद्धव ठाकरे की रैली पर मंदिर की जमीन के दावेदार निर्मोही अखाड़े को एतराज है। बीएसपी कानून से मंदिर बनाने की मांग को लेकर अयोध्या में रैली कर रहा है, जबकि निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि मंदिर जबरदस्ती नहीं बल्कि समझौते से बने। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी इसे बीएसपी और शिवसेना के चुनाव से पहले की राजनीति बताया है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए के वादे की तरह राम मंदिर भी जुमला है। ये मुद्दा चुनाव के समय याद आता है और चुनाव पूरे होने पर भुला दिया जाता है। आरएसएस और बीजेपी पर लगातार निशाना साधने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। तेलंगाना के आदिलाबाद के निर्मल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस सेकुलर होने का दावा करती है तो दूसरी तरफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल को बाबरी मस्जिद केस लड़ने से रोक दिया है। मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की करीबी मधु कुमारी उप सजिस्ता प्रवीण ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर की सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सीबीआई के अधिकारियों ने इसे बड़ी गिरफ्तारी बताया है, जिसके पास बालिका गृह की हर गतिविधियों की जानकारी है। बता दें कि मंगलवार को ही बेगूसराय कोर्ट में बिहार की पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने भी सरेंडर किया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ इस साल की चार धाम यात्रा का समापन हो गया है। बद्रीनाथ मंदिर समिति के जनसंपर्क अधिकारी हरीश गौड़ ने बताया कि शाम 3:21 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट परंपरागत पूजा अर्चना और रीति रिवाज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान सेना के बैंड की धुनों से वातावरण गुंजायमान रहा। उड़ीसा के कटक से एक बड़ा हादसा सामने आया है। जगतपुर के पास एक यात्री बस महानदी पर बने पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 30 यात्री सवार थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बस कटक से अंगुल जा रही थी, लेकिन जगतपुर के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताया है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक महिला के हाथ से बच्चा छूटकर ट्रैक पर गिर पड़ा। उसके ऊपर से ट्रेन भी गुजर गई, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। इस घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़कर पाकिस्तान ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के बयानों से द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव पड़ने की बात कही है। बता दें कि ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोके जाने के फैसले को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। अमेरिका से करोड़ों की मदद लेकर वो आतंकियों को पनाह देता रहा है। चीन के शंघाई के सोंगजियांग में एक ऐसा होटल का निर्माण हुआ है जो जमीन के अंदर है। लगभग 12 साल में बनकर तैयार हुआ ये होटल अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये एक 18 मंजिला होटल है, जिसकी अधिकांश मंजिलें जमीन के नीचे हैं। शंघाई के इस होटल को बनाने में 5,000 आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मजदूरों को जुटना पड़ा और करीब 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन ने देश के सबसे बड़े चैनल CNN से पूरी तरह से हार मान ली है। व्हाइट हाउस ने चैनल के पत्रकार जिम एकोस्टा को पूरी तरह से वापस बहाल कर दिया है।
उनके ऊपर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। व्हाइट हाउस में अकोस्टा के अधिकार पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद सीएनएन ने उस मामले को वापस लेने का फैसला किया है जो इस चैनल ने व्हाइट हाउस के खिलाफ दायर किया था। हुंडई मोटर्स ने बिना किसी शोर शराबे के अपने ग्रैंड आई10 हैचबैक और एक्सेंट सब कॉम्पैक्ट सेडान को नए फीचर के साथ अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इन कारों को अपडेट करने का काम बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते किया है। अनुष्का शर्मा का स्टैचू सिंगापुर के मैडम तुसाड में लगाया गया है, अब इसकी झलक भी सामने आ गई है। अनुष्का शर्मा ने खुद इसकी झलक फैंस के लिए शेयर की है। अनुष्का शर्मा उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिनके ऐसे पुतले फैंस के लिए लगाए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैदान के अंदर संघर्ष के दौर से गुजर रही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत का बरड़ा भारी माना जा रहा है। T20 के अलावा विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दौरे में टेस्ट और वनडे सीरीज भी खेलनी है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान पर जीत के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें टीम के खिलाड़ी भंगड़ा कर जीत का जश्न मना रहे हैं। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का भंगड़ा करना हैरान करता है, लेकिन आपको बता दें कि इस टीम में 2 भारतीय मूल के खिलाड़ी भी शामिल हैं। एक है एजाज पटेल जिनका जन्म मुंबई में हुआ है, तो दूसरे हैं एक छोटी जो पंजाब में जन्मे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।